व्हाट्सअप यूट्यूबर्स वी आर बैक टू अनदर न्यू वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। ये गुड न्यूज़ बोले तो गुड न्यूज़ ही है, पर जो कल अनाउंसमेंट हुई थी, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया था कि पबजी मोबाइल के साथ 117 एप्लीकेशंस, यानी टोटल 118 एप्लीकेशन जो है वो बैन होने वाले। उसमें हमारा पबजी मोबाइल भी जो है ग्लोबल वर्जन वो भी रहेगा, और पबजी मोबाइल लाइट भी रहेगा। ऐसी जो एप्लीकेशन है, टोटल 118 एप्लीकेशन उन्होंने बैन करवाई है। कल 2 सितंबर को ही उनका स्टेटमेंट ये आया था ऑफिशियली, और न्यूज़ चैनल पर भी यही चल रहा था। तो भाई लोग जो अपने गेमर्स जो है उनके लिए ये जो है थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है, पर इसकी इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है भाई। अगर पबजी बैन भी होता है वो अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो अपने इधर ये चल रहा है इंडो चाइना जो बॉर्डर पे जो वही चल रही है लैग पे, लैग मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो वॉर चल रहा है, इसकी वजह से थोड़ा सा इशू जो है उसी के चलते हुए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो मोदी साहब है, हमारे जो प्रधानमंत्री है पीएम मोदी जी, उन्होंने ये फैसला लिया है कि एक जो चाइनीज़ एप्लीकेशन से 118 एप्लीकेशन उनको बैन करवाए। तो ये बहुत एक अच्छा फैसला है, पर आपके लिए एक गुड न्यूज़ भी है। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि प्लीज़ जो है कि आप इसके चलते हुए कोई टेंशन मत ले लेना। ये जो पबजी मोबाइल बैन करवाने की जो बात है वो अभी तक जो है अपने गवर्नमेंट ने जो है इसको बैन तो करवाया ही है, हाँ ये परमानेंटली अपनी तरफ से बैन हो ही गया है, पर अभी तक जो पबजी की ओरिजिनल कंपनी है यानी पबजी कॉरपोरेशन जो है, यानी पबजी जो है वो पबजी का जो ओनर है ब्रेंडन ग्रीन, इनका ये है ब्लू होल कंपनी है। तो ब्लू होल कंपनी का अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का है। उस ऑफिशियल स्टेटमेंट में अपने को पता चलेगा कि अगर इसमें जो अनबैन करने की जो ये है, अनबैन हो सकता है पबजी, अभी तो बैन है, टेम्पररी बैन करवा दिया है, और अभी अपने को खेलने को मिल रहा है, और कुछ एक दो दिन 4-5 दिनों बाद वो ऑफिशियली प्ले स्टोर से भी हट जाएगा और बैन भी हो जाएगा। अभी तक ब्लू होल की तरफ से अपने को ऑफिशियल स्टेटमेंट आने का है, उस स्टेटमेंट में साफ साफ लिखा रहेगा, जो भी वो भी स्टेटमेंट देंगे वो साफ साफ अपने को बता देंगे क्या है, पबजी बैन होगा या नहीं होगा या कैसे। तो पबजी अनबैन हो सकता है, आप सोचेंगे कि कैसे। तो पबजी अनबैन करने के लिए जो है जो टेंसेंट जो कंपनी है, जो चाइनीज़ कंपनी है, गेम डेवलपमेंट कंपनी है, जो पबजी जो है वो स्टार्टिंग में एक पीसी गेम था, उसको गेमिंग वर्जन में लाने के लिए ब्लू होल ने अपनी जो स्टॉक, ब्लू होल जो कंपनी है उन 10% स्टॉक जो है वो टेंसेंट को दिए थे। 10% स्टॉक टेंसेंट ने ख़रीदने के बाद उसको जो है कि पबजी मोबाइल, पबजी जो गेम है वो पबजी मोबाइल वर्जन उन्होंने लॉन्च किया था। तो सिर्फ उसके 10% है चाइना के, इसी वजह से जो है वो ब्लू होल सोचेंगे इस बारे में। अगर ब्लू होल ने अगर वो 10% शेयर जो उनका जो टाइप है वो अगर कैंसिल कर दिया, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया टेंसेंट के साथ, और उन्होंने अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ, जैसे अपनी गेम लॉफ्ट हो गई, वर्ल्ड ईस्पोर्ट्स हो गई, ऐसी जो कंपनियां है गेमिंग डेवलपमेंट कंपनी, उनके साथ अगर फिर से टाइप करते हैं तो अपने को 1-2 महीने के लिए नहीं खेलने के लिए मिलेगा गेम, उसके बाद वो दूसरी फिर से लॉन्च हो जाएगा अपना पबजी मोबाइल, पर ये दूसरी कंपनियों के साथ होगा, टेंसेंट के साथ नहीं होगा। अगर टेंसेंट के साथ उन्होंने अपना टाइप कैंसिल करवा दिया तो फिर हमको फिर से जो है पबजी मोबाइल खेलने को मिलेगा। बस भाई लोग मेरे को सिर्फ इतना ही बताना था, तो आप लोड मत लीजिए, 1-2 महीना, एक महीना या फिर 1.5 महीना और लगेगा जो पबजी मोबाइल जो है वो अपने को खेलने को मिलने के लिए। तब तक के अभी देखते हैं कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है या नहीं है, या फिर क्या बोलते हैं वो ब्लू होल वाले जो है पबजी मोबाइल के ओरिजिनल ओनर, तो क्या बोलते हैं देखते हैं उनका। आप पबजी मोबाइल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी जाकर देख सकते हैं, या फिर
मेरे चैनल पे बने रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही नई नई वीडियो और ये पबजी मोबाइल के रिलेटेड में जो कुछ भी न्यूज़ आती है मैं आपके लिए देते रहूँगा। और इसी के साथ भाई लोग बाय बाय, और देखते हैं पबजी मोबाइल कब अनबैन होता है। सी यू।